Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the nomenclature. This topic is belongs to chapter 1st class 7. So let's start. Nomenclature. Nomenclature is a Latin name. Hai. Nomen means hota hai name, calorie means core. Is the science of providing distinct and proper names of organisms that they can easily recognize and differentiate from others. So nomenclature mein kya hota hai? ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर नाम दिया जाता है जिससे कि ऑर्गेनिजम्स को आसानी से पहचाना जा सके और दूसरे लोगों से उसको डिफरेंशिएट किया जा सके, दूसरे लोगों से उसका अंतर पता चल सके। तो इसलिए नोमेनक्लेचर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर में जो नाम दिया जाता है दो वर्ड का होता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है जो उसकी जेनरिक होता है और सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंगो है, तो मैंगो का नाम है, दो वर्ड है, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जो है वो जेनरिक वर्ड है एंड इंडिका जो है वो स्पेसिफिक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम्स हैज बीन गिवन टू ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो नोमेनक्लेचर में जो नाम दिया जाता है वो दो तरह का नाम दिया जाता है, एक तो कॉमन नेम और दूसरा साइंटिफिक नेम। तो कॉमन नेम्स को क्या कहते हैं, वर्नाक्यूलर नेम भी कहते हैं या कॉमन नेम, दोनों है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नाम दिया जाता है, जैसे कि जो कि रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक मतलब वर्ल्ड का जो अलग अलग रीजन है उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज दिया जाता है, पर्टिकुलर नाम दिया जाता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। जैसे कि बहुत सारा नेम्स है, लाइक किसी का इंग्लिश में होता है, हिंदी में, गुजराती में, मराठी, बंगाली, तमिल, इटीसी। तो इस अलग अलग भाषा में क्या होता है, उस ऑर्गेनिजम्स का अपना नाम दिया जाता है। तो इसमें जो वर्नाक्यूलर नेम्स है या कॉमन नेम्स है इसमें सिंगल वर्ड नाम होता है, नाम जो होता है वो सिंगल वर्ड का होता है, इसको यूनिनोमियल भी कहते हैं। कॉमन नेम्स कैन नॉट बी, और कॉमन नेम का जो है वो जो कॉमन नेम का जो यूज़ है वो साइंटिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक कंट्री जैसे इंडिया में क्या है कि डिफरेंट रीजन है, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस है तो डिफरेंट नाम होगा। इसलिए जो है इसका, इस नाम का जो है वो साइंटिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है रोज है, रोज को हिंदी में गुलाब कहते हैं और बंगला में गोलप कहते हैं और तमिल में इसको रोजापो कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इंडिया में ही है, जैसे कि हिंदी, बंगला एंड तमिल, इंडिया में ही ये क्या है, तीन अलग अलग जगह नाम है। तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज जो होता है उसका जो कॉमन नेम्स होता है उसका जो है साइंटिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन में उसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अलग अलग पार्ट में, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम्स होते हैं। एंड दूसरा जो नाम है वो साइंटिस्ट, साइंटिफिक या टेक्निकल नेम्स कहते हैं, जिसको बायोलॉजिस्ट द्वारा दिया जाता है। और ये जो साइंटिफिक और टेक्निकल नेम्स होता है इसमें जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो पर्टिकुलर नाम दिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म को, वो एक ही नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, जिसको कि पूरे वर्ल्ड में उस नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है। ओके, और इसमें जो ये जो सिस्टम है जिससे कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक और टेक्निकल नेम देते हैं उसको क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जिस सिस्टम से हम किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक या टेक्निकल नेम देते हैं उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। नाउ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अब होता क्या है, पहले ये सिस्टम वॉज, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो लिनस फिलोसफी बॉन्टिका 1751 में लिनस ने, साइंटिस्ट ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का डेवलप किया। तो टेक्निकल नेम्स रिकॉग्नाइज इंटरनली, और ये जो नाम है टेक्निकल नेम है, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है टेक्निकल नेम है, तो पूरे इंटर वर्ल्ड में जिसको कि जाना जाता है, और वो लिनस के द्वारा उनके बुक पीसीस प्लांटेरा में 1753 में दिया गया था, और उन्हीं के बुक का 10th एडिशन था सिस्टमा नेचुरी में 1758 में दिया गया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या करता है, ये इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिज्म विद अप्रोप्रिएट, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म को अप्रोप्रिएट नाम दिया जाता है, कि दो वर्ड्स होते हैं जैसा कि बताया कि फर्स्ट वर्ड जेनेरिक होता है और सेकेंड वर्ड क्या होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो जो फर्स्ट वर्ड और जेनेरिक वर्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जीनस भी कहते हैं। और ये जीनस क्या होता है, जीनस नाउन होता है। जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल फॉर्म। जो सेकेंड वर्ड होता है जिसको स्पेसिफिक कहते हैं उसको स्पीसीज ही कहते हैं, जो सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक होता है उसको स्पीसीज कहते हैं। और ये जो स्पेसिफिक स्पीसीज होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। और ऐसा होता है कि कुछ एक्सेप्शन भी है,
में, जैसे कि अगर किसी पर्सन या प्लेस का नाम आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो वो लेटर होता है उसको हम कैपिटल से लिखते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्पीसीज का नाम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड ये जो द टू वर्ड्स नेम इज अपेंडेड द नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट हु डिस्कवर्ड द ऑर्गेनिजम्स, पर ये देखा जाता है कि जैसे कि जेनस और स्पीसीज का नाम है उसके बाद क्या है, एक नाम लिखा जाता है साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने उसको डिस्कवर्ड किया है, जैसे फ्यूकस बैंगलिस एल मैग्निफेरा इंडिका लेन होमोसेपियंस लेनस, तो ये जो नाम है ये किनका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। या ये जो नेम है नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट भी कहते हैं इसको, नेम ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट भी कहते हैं, या तो ये फुल पूरा नाम लिखा जाता है या इसका एब्रीवेटेड फॉर्म में जैसे कि एल डैश एलिन, तो ये इसका एब्रीवेटेड फॉर्म में भी लिखा जाता है। देयर आर सेवरल टेक्निकल नेम्स विद थ्री वर्ड्स, तो बहुत सारा ऐसा नाम है जिसमें कि तीन वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड्स तो स्पेसिफिक जीनस एंड स्पीसीज होता है लेकिन बहुत में तीन वर्ड्स भी होते हैं, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, एक्निका निलोटिका इंडिका, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो कुछ ऐसे सेवरल टेक्निक्स नेम है जिसमें कि तीन वर्ड्स भी होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट वर्ड क्या हो गया जेनेरिक हो गया, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक हो गया और थर्ड वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसके वैरायटी को। थर्ड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके किस वैरायटी का है, जो कि बॉटनिकल लिटरेचर में भी हो सकता है या आपका जूलॉजिकल लिटरेचर में भी होता है। नाउ द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या है, तो फाइव कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के पांच कोड्स है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर आईसीबीएसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर आईसीबीएन एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स आईसीएनसी। तो ये जो है फाइव कोड्स नोमेनक्लेचर के, और फिर इसका देन इसी के आधार पे, इन फाइव कोड्स के आधार पे और जो लेनस ने जो रूल सेट किया था उनके आधार पे नोमेनक्लेचर किया गया, मीन्स ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया गया। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि ये जो है दो वर्ड्स होगा, इसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक होगा, दो वर्ड्स होगा, फर्स्ट तो जेनेरिक जो होगा वो फर्स्ट होगा जिसको, एंड उसके बाद जेनेरिक के बाद क्या होगा स्पीसीज होगा, ठीक है, और बाद में फिर क्या साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा जो कि फुल नेम भी हो सकता है या उसका एब्रीवेशन फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, जो फर्स्ट लेटर होगा जो बताया अभी कि जैसा कि जेनेरिक नेम वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और स्पेसिफिक जो होगा वो नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। द साइंटिस्ट नेम इज प्रिंटेड इन इटैलिक, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसका थर्ड रूल क्या है कि जो साइंटिस्ट नेम होगा जो टैक्सोनॉमिस्ट नेम होगा वो किसमें लिखा जाएगा, इटैलिक में लिखा जाएगा। ओके, इफ द टू वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइन इन हैंड राइटिंग डिस्क्रिप्शन, अगर हम उसको कंप्यूटर में लिखते हैं या किसी टेक्निकल डिवाइस में लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस में, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको इटैलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब हम उसको अपने हैंड राइटिंग के थ्रू जैसे पेन या पेन पेन से लिखते हैं अपना पेपर में या कॉपी में, तो उसमें ये इटैलिक हम नहीं लिख सकते हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है, इसमें जो है अंडरलाइन किया जाता है, जैसे कि जीनस कुछ भी लिखा गया उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और यहाँ जैसे स्पीसीज का नाम लिखा गया उसको अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी इसमें दिया गया है, जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल नेम अगर टाइटल की तरह लिखा जाए, ठीक है, तब वो किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। एंड फोर्थ है कि नेम ऑफ ऑथर, जो ऑथर का नाम होगा वो हमेशा रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, और जो भी ओरिजिनल नेम्स जो भी हम लिखते हैं, साइंटिस्ट साइंटिफिक नेम जो भी हम लिखते हैं वो या तो लैटिन वर्ड से होता है या तो ग्रीक लैंग्वेज से होता है। अब ऐसा ही क्यों कि हम लैटिन वर्ड से ही लिखते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी न्यू वर्ड्स हैं वो डिराइव्ड होते हैं या तो लैटिन लैंग्वेज से या जिसको यहाँ लैटिनाइज्ड कहते हैं या उनसे निकाला जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो होता है वो डेड लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज कैसा है जो वो डेड लैंग्वेज है, और लैटिन लैंग्वेज डेड होने की वजह से वो कभी चेंज नहीं होता है, उसका कभी फॉर्म चेंज नहीं होता है, उसका स्पेलिंग चेंज नहीं होता है विद द पासेस ऑफ टाइम। टाइम पास होने के टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पास होता जाएगा उसके साथ ये जो है लैटिन है ये डेड लैंग्वेज है, इसमें इसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसके स्पेलिंग में कोई तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोस यूज्ड बाय लेनस, कहा गया है कि बहुत सारा जो है नेम्स जो लेनस के द्वारा 1753 में उनके
प्लांट्स के लिए जो दिया गया था, प्लांट्स के लिए उन्होंने जो नाम दिया था स्पीसीज प्लांटेरम अपने बुक में, और एनिमल्स के लिए उन्होंने 1758 में उनके 10th एडिशन बुक के सिस्टम ऑफ नेचरी में उन्होंने दिया था, लेकिन वो सारे नेम्स जो है रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो रहे। तो प्लांट के लिए स्पीसीज प्लांटेरम में दिया गया और एनिमल का नाम सिस्टम ऑफ नेचुरी में दिया गया। नाउ द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहले है कि जो एवरी स्पीसीज है सिंगल एंड स्पेसिफिक नेम, जितने भी स्पीसीज है उनका सिंगल और स्पेसिफिक नाम होता है, जो दो वर्ड का होता है या तीन वर्ड का होता है, जैसा कि बताया एवरी ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म को साइंस ने नाम दिया है, साइंटिफिक नेम है, इसका मतलब है कि साइंस उसको जान रहा है। थर्ड है कि ये सारे वर्ड्स लैटिन से लिए गए हैं जो कि डेड लैंग्वेज है, इसलिए नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंजेस इन द स्पेलिंग, इसलिए साइंटिफिक नेम में के स्पेलिंग में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। ओके, ये दूसरा है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसका ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्रीज में, सारे में क्या होता है, ये हमेशा एक ही होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है जिसे पूरा वर्ल्ड एक ही नाम से जानता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके नाम से ही उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये इंडिकेट करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, तो एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ या उसके सेम जीनस के साथ उसका रिलेशनशिप भी बताता है। दूसरा क्या करता है, कंप्रेहेंसिव में भी इसका यूज होता है कि हम एक को दूसरे के साथ कंपेयर कर सके। कंपेयर करने से तक क्या होता है कि हम उसको आसानी से फिर रिकलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम रॉन्ग नेम दे दें, रॉन्ग नेम कैन बी इजिली कलेक्टेड। अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होगा तो अगर कोई भी, अगर कभी भी उस नाम में अगर कोई गलती होगा तो वो आसानी से क्या होता है, करेक्टेड हो जाता है। अगर उसका एक साइंटिफिक नेम होगा तो उसको हम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। ए न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म कैन बी इजिली प्रोवाइडेड विद, अब जो भी नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हो रहा है उसको हम आसानी से एक नया न्यू साइंटिफिक नेम भी दे सकते हैं। ये सारे क्या है, एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक नेम्स। नाउ द रिवीजन ऑफ ग्रुप्स है, ग्रुप्स का रिवीजन। सबसे पहले इट इज द ग्रुपिंग ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज है उसको क्या किया गया है, डिफरेंट टैक्सा में बांट दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट टैक्सा में बांटा गया है, तो किस बेसिस पे बांटा गया, उसके रिसेम्बलेंस, क्या क्या समानताएं दिख रही है उसमें, क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या अंतर दिख रहा है। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी, जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो बॉडी वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, उसके आधार पे और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे जो है डिफरेंट स्पीसीज को जो है डिफरेंट टैक्सा में बांटा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया सिलेक्टेड टू डिलिमिट अ स्पीसीज। डीलिमिटिंग स्पीसीज क्या होता है कि स्पीसीज का एक अपना लिमिट सेट किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम उसी आधार पर उसको सेलेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के केस में होता है क्या, इंटरब्रीडिंग जो है वो एक बेसिक क्राइटेरिया। इंटरब्रीडिंग मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्पीसीज है वो अगर दूसरे स्पीसीज के साथ अगर रिप्रोडक्शन करता है, मतलब अलग डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको इंटरब्रीडिंग कहते हैं, और अगर सेम में होता है तो उसको इंट्राब्रीडिंग कहते हैं। दूसरे केस में कहा गया है, इन अदर केस, इन केस ऑफ अदर्स, मॉर्फोलॉजी उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, फिजियोलॉजी उसके फंक्शन के आधार पे, इंटरनल फंक्शन के आधार पे, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी मतलब होता है कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पे भी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स के आधार पे, जो ऑर्गेनिज्म किस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिसमें क्या आता है, डीएनए मैचिंग इज रिसोर्टेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, स्पीसीज को हम डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड करते हैं। स्पीसीज आर देन ग्रुप इन टू, फिर उसको स्पीसीज को हम ग्रुप करते हैं हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, उसको हम ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, और ये जो हम हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उसको बांटते हैं वो कॉमन फीचर के बेसिस पे बांटते हैं, जिसको कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। कोरिलेटेड कैरेक्टर्स मतलब कि उसमें क्या क्या कॉमन फीचर्स है, कॉमन कैरेक्टर्स है। नाउ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, तो सबसे पहले लिनस ने ये हायरार्की के बारे में दिया था, इसलिए इसको कहा गया है लिनन हायरार्की कहा गया है। ओके, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज। ये जो हायरार्की है, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज है, इसमें क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया
दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है किंगडम से स्पीसीज से, मतलब बड़ा से छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर में इसको स्पीसीज टू किंगडम किया गया है, मतलब छोटा लेवल से बड़ा लेवल तक किया गया है। तो इसको जो जो हायरार्की हुआ कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हम एक डिफरेंट सीक्वेंस में करते हैं, जो जैसे कि द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर कैटेगरीज डिक्रीज फ्रॉम लोएस्ट रैंक टू हाईएस्ट रैंक। जैसे कि सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलर कैरेक्टर होगा वो स्पीसीज में मिलता है, सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा किंगडम तक आएगा, इसका जो सिमिलैरिटीज है कैरेक्टर्स का वो क्या होता है, वो घटता जाता है। हायरार्की में इंक्लूड होते हैं 7 ऑब्लिगेट कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें किंगडम, डिवीजन या फाइलम कहते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। द कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग सीक्वेंस में, जिसमें कि किंगडम सबसे ऊपर रहेगा, जो सबसे बड़ा होगा सबसे ऊपर रहेगा। इन ऑर्डर टू मेक टैक्सोनॉमिक पोजीशंस मोर प्रिसाइज सर्टेन कैटेगरीज हैज बीन, अगर हम चाहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें और स्पेसिफिकेशन लाए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम और जो है कैटेगराइज करें और ग्रुप्स में बांटे, तो उसके लिए एक जो लिस्ट दिया गया है इंटरमीडिएट कैटेगरीज का, सब किंगडम आता है, सुपर फाइलम, सुपर डिवीजन, सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, सब स्पीसीज एंड वैरायटीज एंड एटसेट्रा। तो ये क्या है, सारे इंटरमीडिएट कैटेगरीज है। तो टोटल कितना हो गया, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होता है और कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज होते हैं। तो अब देखते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। सबसे पहले है स्पीसीज। स्पीसीज में सिंगुलर और प्लूरल, ए सिंगल या एक से ज्यादा दोनों रखा गया। तो स्पीसीज को क्या कहा गया कि ये नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का नेचुरल पॉपुलेशन मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में या उस पॉपुलेशन के ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बोलते हैं, जो कि जिनका भी कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलता है मॉर्फोलॉजिकली, उसका स्ट्रक्चर मिलता हो, उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मिलता हो, उस आधार पर हम उसको स्पीसीज में रखते हैं। और ये जो होता है इंटरब्रीड भी कर सके फ्रीली, मतलब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड भी कर सके, क्योंकि उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसका जो है स्ट्रक्चर मिलता है, उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मिलता है, इसलिए वो फ्रीली इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंगो है स्पीसीज, मैंगो का जो मैंगो जैसे है उसका स्पीसीज इंडिका है और जीनस उसका क्या हो गया, मैग्नीफेरा। तो मैग्नीफेरा उसका जीनस और स्पीसीज उसका, सॉरी इंडिका उसका स्पीसीज है। ह्यूमंस है, ह्यूमन बिलोंग्स करता है जीनस होमो से और उसका स्पीसीज क्या है, सेपियंस है, तो उसको कहिए होमो सेपियंस। ईच स्पीसीज इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नेचुरल पॉपुलेशन। हर स्पीसीज जो होता है उसको कहा गया है जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, मतलब क्या हुआ कि जो जीन का लेवल होता है उसमें वो अलग होता है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं, और वो रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट होता है और उसका जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी वो रिप्रोडक्शन लेवल पे भी वो एक दूसरे से अलग होता है। मेयर ने 1964 में कहा था कि स्पीसीज एज ए ग्रुप ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। मेयर ने कहा कि जो स्पीसीज है वैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग स्पीसीज के बीच में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट फ्रॉम सच ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन मतलब अलग अलग स्पीसीज है बट वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने के बाद भी। दूसरा है जीनस है। जीनस क्या है, ये ग्रुप है या असेंबलीज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब अगर एक जैसा 4-5 स्पीसीज है तो सबको कहा क्या किया जाता है, जीने एक सिंगल जीनस में रख दिया जाता है। ठीक है, उसे कैरेक्टर्स उसके जैसे कि 5 स्पीसीज है, ओके, इन सबका कैरेक्टर्स मिलता है तो सबको क्या किया जाता है, एक जीनस के अंदर रख दिया जाता है। तो रिलेट कैरेक्टर्स और सिमिलर, और वो जितने भी कैरेक्टर्स है इनका जो 5 स्पीसीज का जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, कॉमन फीचर्स होता है सब में। All the species of genus are presumed to be, और कहा गया है कि ये जो जितने भी, जैसे सिंगल जीनस में अगर 5 स्पीसीज रखा गया है तो कहा गया है कि ये 5 स्पीसीज जो है उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। ये 5 स्पीसीज का जो
इवोल्यूशन है वो कॉमन एंसेस्टर से है. और इट इज नॉट एसेंशियल फॉर जीनस टू हैव सेवरल स्पीसीज. और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी एक जीनस का बहुत सारा स्पीसीज हो. देर आर जेनरा विच हैव वन स्पीसीज. जैसे कि अगर किसी जीनस में एक ही स्पीसीज हो तो उसको कहते हैं मोनोटाइपिक, या एक से ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं पॉलीटाइपिक कहते हैं. जैसे कि जीनस है सोलाना, ये जीनस है जिसमें कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो सारे इसमें रखे जाते हैं. जैसे कि क्या है एस ट्यूबरोसम. एस मतलब क्या हो गया सोलाना, इसको शॉर्ट में लिखा गया है एस. ट्यूबरोसम जिसमें कि पोटैटो का ग्रुप आता है. एस मेलोगिना जिसमें कि एक प्लांट या ब्रिंजल का ग्रुप आता है. एस निग्रम जिसमें ब्लैक नाइटशेड का ग्रुप आता है. एस यूरेटेंस जो कि जैसे कि ये सब सारे जितने भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है इन सबको जीनस सोलानम में रखा गया है. जैसे सिमिलरली है जैसे कि लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड, जौहर, ये सारे क्लोजली स्पीसीज है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, इसलिए इन सबको जो है एक सिंगल जीनस में रखा गया है जिसका नाम क्या है पैंथेरा. ओके द एनिमल्स आर रिस्पेक्टिवली नेम्ड एज पैंथेरा लियो. अब इन सबका जो नाम रखा गया है पैंथेरा तो उसी के आधार पे इसका जैसे कि साइंटिफिक नेम भी रखा गया है. जैसे पैंथेरा लियो, पी टिग्रेस, पी पॉटस, पी ओनका, ये सब ग्रुप जीनस पैंथेरा से, इसलिए इनको एक सिमिलर नेम, एक साइंटिफिक नेम दिया गया जिससे कि हम इसको पहचान सके कि ये सेम जीनस का. दिस फ्यूरियस एनिमल्स आर रिलेटेड विद सम डिफरेंट कैट, डिफरेंट्स ऑफ कैट्स. और ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं इनका जो कैट के साथ है वो कैट के साथ इनका डिफरेंशिएशन है, मतलब ये कैट से कैरेक्टर्स में अलग है, इसलिए कैट्स को जो है एक अलग ग्रुप में रखा गया है जिसको कहते हैं जीनस. कौन से जीनस में रखा गया है? फिलीस में रखा गया है. जैसे एफ डोमेस्टिका जिसमें कॉमन कैट को रखा गया है, एफ बेंगलिन्स तो उसमें लियोपार्ड कैट को रखा गया है. तो ये इसको कैट को एक अलग जीनस में रखा गया क्योंकि वो से डिफरेंस है, और इनको और ये सारे जो है पैंथेरा ग्रुप में इसे टाइगर लायन लियोपार्ड जो है इनको एक अलग जीनस में रखा गया. फैमिली है, इट इज ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच कंटेन. अब जैसे वन और मोर रिलेटेड जीनस, अगर एक या एक से जैसे कि मानते हैं कि ये तीन जीनस है, ये सब एक दूसरे से मिलता है, उसको एक सेम फैमिली में रखते हैं, एक सिंगल फैमिली में रखते हैं. अगर ये तीन अलग जीनस, तीन जीनस है जिसका कि कैरेक्टर्स मिलता है तो उसको हम एक सिमिलर फैमिली में, सिंगल फैमिली में रखते हैं. और ये जो है दे आर सेपरेबल फ्रॉम जनरा ऑफ रिलेटेड फैमिली बाय इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिफरेंसेस इन वेजिटेटिव. और इसको जो है एक फैमिली दूसरे फैमिली से कैसे अलग होता है, तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स अगर अलग अलग है तो वो उसको क्या किया जाता है दूसरे फैमिली में उसको रखा जाता है. जैसे कहा गया है द जेनर ऑफ कैट, कैट जेनर सुफिलिस कहते हैं, लियोपार्ड का पैंथेरा को कहते हैं, ये सारा जो है फैमिली फिलिडी में रखा गया. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोस फैमिली कैनेडी. तो जैसे कैट है, फिलिस है, लियोपार्ड, पैंथेरा, इनको एक सिंगल फैमिली में फिलिडी में रखा गया. लेकिन फैमिली फ्लिडी जो है वो कैनेडी से अलग है, जिसमें कि डॉग्स, बॉक्सेस, वॉल्व्स है, इसके कैरेक्टर्स इससे अलग है, इसलिए उसको अलग फैमिलीज में रखा गया है. फैमिली सोलेनिसी, ये जो है इसके अंदर बहुत सारा जेनरा होता है, जैसे कि आगे सोलेनम है, लिथेनिया है, डाइट्यूरा है, पेचूनिया है, निकोटीना है, ये सबको फैमिली सोलेनस में रखा गया है. जो दूसरी फैमिली से है जैसे कि रिलेटेड फैमिली है कनवोल्यूसी, क्योंकि उसे अलग रखा गया है इसको. अब नाउ द ऑर्डर, ऑर्डर में क्या क्या है, जैसे कि चार फैमिली है, अगर सबका कैरेक्टर्स मिलता जुलता है तो उसको एक सिंगल ऑर्डर में रख दिया जाता है. ठीक है, तो फैमिली सोलेनिसिस प्लेस्ड इन ऑर्डर, जैसे कि फैमिली सोलेनिसिस है, ठीक है, उसको ऑर्डर में किस ऑर्डर में रखा गया है, पॉलीमोनेलिस अलोंग विथ फोर, और इसके साथ साथ जो है और चार फैमिलीज ऑर्डर में है, कौन कौन से, कनवोल्यूसिस, ब्रोगनिस, हाइड्रोफिलिस एंड पॉलीमोनियसिस. तो इन सारे फैमिली को जो है इसमें रखा गया सिंगल ऑर्डर में रखा गया, मतलब पांच ऑर्डर, पांच फैमिली जो है सिंगल ऑर्डर में. फैमिली फिलिडी एंड कैनेडी आर इंक्लूडेड अंडर द, और ये जैसे कि फिलिडी और कैनेडी है, इन सबको जो है एक कॉमन ऑर्डर कैर्निवोरा में रखा गया है, अलॉन्ग विथ कैर्निवोरा में फैमिली फिलिडी कैनेडी के साथ साथ हाइनिडी
और यूएसडी भी इन सबको भी एक कॉमन ऑर्डर, इन चारों फैमिली को भी इसी कॉमन ऑर्डर में रखा गया। द कैटेगरीज ऑफ ऑर्डर या हायर रैंक्स आर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। और ये जो जो ऑर्डर्स में जो डिफरेंसेस होता है वो किसके आधार पे, कि उसमें कितना ज्यादा कैरेक्टर्स, किस आधार पे कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस है, जितना ज्यादा कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस होगा उसको उस आधार पे अलग अलग ऑर्डर्स में उसको रख दिया जाएगा। नाउ द क्लास, क्लास में क्या हो गया, जैसे कि फाइव ऑर्डर्स है, अगर इन सबका कैरेक्टर्स मिलता है तो उसको एक सिंगल क्लास में रख दिया जाएगा। जैसे कि डाइकोटिलीडन्स, इसके अंदर आता है डाइकोटिलीडी या डाइकोटिलीडन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अंदर क्या है, डाइकॉटन्स है, उसको सेवरल ऑर्डर है, उसका सेवरल ऑर्डर है, जैसे कि रोसलस, पैसिफ्लोरिंस, पॉलीमोलाइल्स, सेफलिडाइल्स, रेनल्स, इटीसी। तो ये सारे जो डाइकॉट्स है इनका अलग अलग ऑर्डर्स है और इनको क्या किया गया है, एक क्लास में, क्लास किसमें रख दिया गया है, डाइकॉटिलोनिडीज। तो इन सब में डाइकॉट्स होता है इसलिए इसको सेम क्लास में रख दिया गया। अब जैसे क्लास मैमेलिया को लिया जाए तो इसमें जितने भी मैमल्स आते हैं उन सबको रखा जाएगा। जैसे मैमल्स में क्या हो गया, बैट्स आता है, कंगारूज है, रोडेंट्स है, व्हेल्स है, कार्निवोरस है, एप्स है, मेंस है, इन सबको जो है सेम क्लास में रख दिया गया है। ठीक है, सारे मैमल्स को सेम क्लास मैमेलिया में रखा गया है। नाउ डिवीजन ऑफ फाइलम, डिवीजन ऑफ फाइलम क्या है, ये हायर कैटेगरीज है, क्लास से बड़ा होता है। द टर्म फाइलम मतलब क्या होता है, यूज होता है एनिमल्स के लिए, जबकि डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए होता है। फाइलम में किसका यू, फाइलम एनिमल्स के लिए होता है और डिवीजन किसके लिए होता है, वो प्लांट्स के लिए होता है। डिवीजन ऑफ फाइलम जो है वो बताता है कि जैसे कि फोर क्लासेस है, ठीक है, तो उसको एक डिवीजन या सिंगल फाइलम में हम रख सकते हैं। अब जैसे फाइलम को डाटा है नॉट कंटेन ओनली द क्लास मैमेलिया, जैसे कि फाइलम कॉर्डाटा है तो इसमें जितने भी कॉर्डेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ मैमल्स ही नहीं आते हैं बल्कि एप्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियास, साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ट्रियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, इन सबको एक ही फाइलम में रखा गया है, फाइलम कॉर्डाटा। डिवीजन है, डिवीजन जैसे है स्पर्मेटोफाइटा प्लांट में, इसमें क्या गया है, सेवन क्लासेस है टोटल जिम्नोस्पर्म्स का और टू क्लासेस है एंजियोस्पर्म का, जो कि डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में उनको रखा गया है। एंड लास्ट वन इज द किंगडम, किंगडम क्या है, ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे ऊपर है। इसमें दो किंगडम्स बनाए गए, एक प्लांटी जिसमें प्लांट को रखा गया है और दूसरा क्या है एनिमेलिया जिसमें कि एनिमल्स को रखा गया है। नंबर ऑफ स्पीसीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, और इसके जो स्पीसीज में होता है वो बहुत सिमिलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है विद राइज इन हायर, जैसे जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे कैरेक्टर्स का जो सिमिलैरिटीज है वो घटते जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे जैसे स्पीसीज लेवल तक जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स क्या होता है बहुत ज्यादा मैचेबल करता है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जैसे किंगडम तक जाएंगे वो कैरेक्टर्स जो है वो बहुत कम मिलता है। सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम्स आर ऑल फॉर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ किंगडम्स, डिफिकल्टीज राइज व्हेन वी आर फाइंड रिलेशनशिप एट द सेम लेवल। तो किंगडम्स लेवल्स पे क्या होता है कि डिफिकल्टी तब आता है जब हम सेम लेवल पे उसमें रिलेशनशिप ढूंढते हैं किंगडम लेवल पे। सो क्लासिफिकेशन जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब है टैक्सॉन, टैक्सॉन का मतलब होता है प्लूरा, जिसका मतलब टैक्सा भी होता है, और इसको अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है क्लासिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है वो सब कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर उसको हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि राइकमेज, रोज, ग्रासेस, कॉर्निफर्स, डाइकॉट्स, सीड प्लांट्स, तो मेज हो गया स्पीसीज, रोजेस जीनस, ग्रासेस फैमिली, कॉर्निफर्स ऑर्डर, डाइकॉट्स क्लास, सीड प्लांट्स डिवीजन, इटीसी। इस तो कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर हम टैक्सा को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं। टैक्सा को जो है ICBN ड्यूरिंग 1956 में उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। मेयर जो 1964 में बताया था कि डिफाइंड टैक्सॉन टू बी एन टैक्सोनॉमिक ग्रुप, उन्होंने टैक्सॉन को एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप बताया ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का हो सकता है, दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्थी ऑफ बीइंग असाइंड टू अ डेफिनेट कैटेगरी। टैक्सा को टैक्सॉन को बताया उन्होंने कि एक
एनी रैंक पे हो सकता है, किसी भी रैंक में, जैसे किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, स्पीसीज, क्लास, किसी भी रैंक पे हो सकता है। और उसका एक अंदर अपना डिफरेंट, उसका जो एक अपना डिफरेंट कैटेगरीज भी होता है। जैसे कि समझाने के लिए, टैक्सोन और कैटेगरीज में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है और ये रैंकिंग के साथ डील करता है। टैक्सोन जो होता है वो रियल होता है और ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हुआ क्या कि कहीं से लिया गया है, ये किसी भी रैंक पे होता है, लेकिन ये जो कैटेगरीज होता है वो किसी पर्टिकुलर रैंक पे ही इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates and keep watching. Stay tuned. Thank you so much.